हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवधीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे यूज ऑफ विल बी। Good communication, Dev classes. Confident personality, Dev classes. Overall personality development के लिए join कीजिए Dev Spoken English. New Civic Center, Bhilai. दोस्तों, हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में उनके पोजीशन से संबंधित भविष्य की बात बताना चाहते हैं, विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे कल वह दिल्ली में होगा, अगले साल मोबाइल सस्ता होगा। तो आप मोबाइल की स्थिति बता रहे हो, क्या स्थिति? सस्ता होने का, लेकिन भविष्य की स्थिति, मतलब मोबाइल अभी सस्ता नहीं है, हाँ भविष्य में उसकी स्थिति सस्ती वाली वो भविष्य में होगी। तो अगले साल मोबाइल सस्ता होगा, देखना कल पार्टी बहुत अच्छा होगा, पानी गर्म होगा, कल तुम्हारे लिए अच्छा दिन होगा, यह तुम्हारी समस्या होगी, ठीक है, बच्चे ईमानदार होंगे, कल वह बीमार होगा, कल तुम एक आईएएस ऑफिसर होगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हम उनके स्थिति से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं, भविष्य का विल बी का प्रयोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ विल बी। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देख पाए तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आप देखिए, सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है विल, फिर आएगा बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, यहां पर वर्ब नहीं आएगा। वर्ब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप अवस्था बता रहे हो, कंडीशन बता रहे हो, गुणधर्म बता रहे हो, कोई काम तो कर ही नहीं रहे हो। तो जब कोई काम कर ही नहीं रहे हो, कोई एक्शन आ ही नहीं रहा, तो फिर वर्ब किस बात का? तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो भविष्य के लिए विल और होना के लिए बी, तो होगा, होगी या होंगे के लिए विल बी। नेगेटिव में आप याद रखें, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैं बता चुका हूं कि जब दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो यहां पर हम विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमेशा आईडब्ल्यू पहले आता है, फिर आएगा विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ये छूट गया, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखिए, वह बीमार होगा, तो आने वाले भविष्य में हम ये समझ रहे हैं कि वह बीमार होगा, उसकी हम अवस्था बता रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की। तो कौन बीमार होगा? वह यानी होगा ही विल बी। क्या होगा? बीमार, बीमार यानी सिक, इल भी लिख सकते हो, तो ही विल बी सिक। सवाल कठिन होगा, जैसे आपके टीचर बोलते हैं कि देखना सवाल बहुत कठिन होगा, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। तो क्या चीज कठिन होगा? सवाल, सवाल यानी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन विल बी हार्ड या टफ या डिफिकल्ट। चलिए कुछ निगेटिव के सेंटेंस देखते हैं। वह भूखा नहीं होगा, कौन भूखा नहीं होगा? वह, ठीक है, तो वह का हो गया ही के बाद अगर आपका लगा विल, ही के बाद आपका लगा विल, विल के बाद आएगा आपका नॉट, फिर आएगा बी, और भूखा यानी हंग्री, तो ही विल नॉट बी हंग्री। एक और सेंटेंस देखते हैं। बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, तो कौन स्कूल में नहीं होंगे? बच्चे, बच्चे यानी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद आएगा आपका विल, विल के बाद आएगा नॉट, फिर बी, फिर एट स्कूल, तो चिल्ड्रन विल नॉट बी एट स्कूल। क्या वह ईमानदार होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो विल ही बी ऑनेस्ट, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। तो चलिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप दोहराते चले जाएं, आपका स्पोकन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सवाल आसान होगा तो क्वेश्चन विल बी इजी, पानी गर्म होगा तो वाटर विल बी हॉट, ठीक है, चाय ठंडी होगी तो वाटर विल बी कोल्ड, वह मेरा दोस्त होगा तो ही विल बी माई फ्रेंड, तुम क्लास के टॉपर होगे, यू विल बी द टॉपर ऑफ क्लास, है ना। वह एक अच्छा लड़का होगा तो ही विल बी अ गुड बॉय, अगले साल मैं दिल्ली में होऊंगा तो नेक्स्ट ईयर आई विल बी इन दिल्ली, बच्चे मेरे साथ होंगे तो चिल्ड्रन विल बी विथ मी, वह पागल होगी तो शी विल बी मैड, वह एक अच्छी लड़की होगी तो शी विल बी अ गुड गर्ल, यह तुम्हारी समस्या होगी, इट विल बी योर प्रॉब्लम, मोबाइल सस्ता होगा तो मोबाइल विल बी चीप, मोबाइल महंगा होगा तो मोबाइल विल बी कॉस्टली, मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी विथ यू, पार्टी बहुत अच्छा होगा तो पार्टी विल बी वेरी नाइस। तो होप सो दोस्तों, आपको विल बी का फंडा क्लियर हुआ होगा। अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को रीड करें, उसको ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, सारे आंसर आपको लिखना है, और कुछ समय के बाद मैं इसे पढ़ूंगा, जो भी सही गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लें, लोगों के साथ शेयर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।